बाजी कुछ खान नू देना। ये इधर कहाँ बैठ रहे हैं आप? आपको तमीज नहीं है जाके साइड पे बैठे? बाजी मैंने आपको कुछ कहा है? हाँ तो आप इधर ना ना बैठे, इतनी जगह जाके वहाँ कहीं बैठे आप। आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। हाँ आता हूँ आपके, सलामत है, जाके कमाए खाए। बाजी सारे यही कहते हैं कमाए खाए, अगर कमाने वाला होता तो कोई नौकरी पे नहीं रखता। मैं नौकरी ढूंढना चाहता हूँ, मुझे कोई मिलती नहीं है। पढ़े लिखे नहीं हो, कोई मसला होगा तो नौकरी ही ना मिलती। मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, मैंने बीए किया हुआ है, ठीक है। बीए करने नौकरी मिल जाती है अगर बीए किया हुआ तो? नहीं कोई रखता, जहाँ भी सीवी देता हूँ आगे से कहते हैं कि आप आ जाना, बस दो चार दिन तक आपको कॉल करेंगे, कोई बुलाता ही नहीं है। ऐसे तो नहीं होता, मिल जाती होती है नौकरी, बंदा कोशिश करे नौकरी मिल जाती है। बहुत कोशिश की है, जब बंदा थक जाए मजबूर हो जाए ना, फिर मजबूरी से मांगना पड़ता है, और मैं मांग भी सिर्फ मजबूरी से रहा हूँ। मेरी नौकरी का मसला ज़्यादा नहीं है, मेरे घर में मेरी बहन बैठी हुई है जिसकी शादी अगले महीने, सिर्फ उस मजबूरी से मैं मांग रहा हूँ। मैं भूख का कह के लोगों को तरले ले ले के, लोगों के ताने सुन सुन के सिर्फ जो है ना अपनी बहन की खातिर कह रहा हूँ जो भी कह रहा हूँ। तो आप पहले से नौकरी ढूंढ के रखते ना, तो बाद में बहन की शादी कर रखते? शादी तो जारी बात है, एक साल पहले की लखी है। नौकरी मेरे 3 महीने हो गए, उन्होंने मुझे निकाल दिया हुआ है। गार्ड की जॉब करता था, 15-20 हज़ार सैलरी देते थे। अब मैं उधर बताएं इतनी सैलरी में बहन का जहेज बनाता कि क्या करता। कोई काम वाम करे, बहन की शादी भी हो जाएगी, हेल्प वो कर ही देता कोई ना कोई, मैं कर दूंगी आपकी हेल्प। क्या हेल्प कर सकते हैं आप मेरी? जो चाहिए होगा आपकी बहन की शादी के लिए हेल्प कर दूंगी जितना हो सकेगा। मुझे खाने के पैसे आप दें, मैंने खाना खाने के पैसे आप ले लें, पर आप कोई काम वगैरह करें। आप अच्छे खासे दिखते हैं, दिखने में आप लग नहीं रहे ऐसे, आप कोई काम वगैरह ढूंढें। बाजी काम पे नहीं कोई रखता, मैं वही तो बता रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ नहीं कोई रखता। आप मुझे काम पे रखवा दें किसी पे, मैं तो नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी फैक्ट्री में जॉब कर ले, गार्मेंट्स की फैक्ट्री है, वहाँ काम कर ले आप। मुझे कुछ आता नहीं है, मैं वहाँ क्या काम करूँगा? वो आप सीख जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आना फैक्ट्री में, आप काम आप कर रखेंगे काम पर। आप काम करते हैं फैक्ट्री में? नहीं मेरी खुद की फैक्ट्री है। आपके पास गाड़ी भी है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह दो गाड़ी है मेरे पास। तो आप मुझे फैक्ट्री में रख लेंगे फिर? जी मैं रख लूँगी आप। लेकिन मेरे पास तो ये कंडीशन मेरी देख लें, ये है, मैं ऐसे ही आ सकता हूँ? नहीं आप प्यारे से बन के आना, साफ सुथरे कपड़े पहन के फिर आना आप। आप मुझे, मैं आपसे कैसे रहता करूँगा? नंबर ले ले आप मेरा। मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास पेन है, आप मुझे नंबर लिख दें। पेन मैं आपको देता हूँ। ये भी मुझे मिला है, कहीं से मिल गया तो मैंने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महक। आप मैरिड है? नहीं मैं मैरिड नहीं हूँ। आपका कोई दोस्त भी नहीं है? नहीं आपको दोस्त बना लूँगी, अच्छे खासे तो दिखते हैं आप। इस कंडीशन में ऐसे कैसे हो सकता है कि आप? कंडीशन आपकी ठीक कर देंगे ना। सच्ची? हाँ जी आप साफ सुथरे बनिएगा, आपकी कंडीशन खुद ही ठीक हो जाएगी, प्यारे लगोगे आप। आप मतलब कि ऐसे कैसे हो सकता है? आपके पास गाड़ी है, आप मीरतरीन घर से हैं, मैं तो रेंट पे रहने वाला बंदा हूँ, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, और मेरे से कैसे दोस्त? आप दिखने में मुझे अच्छे लग रहे हैं ना, आप मांगने वाले नहीं लग रहे। तो आप मुझे बताएं फिर, मैं आपको फ़ोन करूं अगर एक दो दिन तक। आप मेरी बहन के लिए कोई हेल्प कर सकते हैं? मेरा मेन जो है ना इस वक्त परेशानी वही है। आप मुझे एक दो दिन तक फ़ोन करना, फिर हम मिलेंगे, आप मुझे बता देना, उसके बाद हम आपकी बहन के लिए चीज़ें ले लेंगे जो जो लेना होगा। कहाँ मिलेंगे हम? बाहर कहीं मिलेंगे, जहाँ मैं फ़ोन तो बताऊँगी, आप आ जाना। तो मेरे पास अभी अगर मैं आपको 2-3 दिन तक फ़ोन करके ऐसे आ जाऊं तो आप मुझे ऐसे मिल लेंगे? नहीं ऐसे नहीं, मैं आप ठीक ठाक बन जाएगा। ऐसे आप क्यों मतलब कि मुझ पर इतना रहम दिल हो रहे हैं? कह तो रही हूँ आप अच्छे लग रहे हैं दिखने में, आप मांगने वाले नहीं लग रहे। तो आप मुझे मतलब कि दोस्ती कर लें, बाद में मुझे छोड़ देंगे? नहीं आप सिंसियर रहेंगे तो मैं क्यों छोड़ूंगी आपको, इंसान को सिंसियर इंसान की ज़रूरत होती है। आपकी लाइफ में कोई नहीं है? नहीं फिलहाल तो मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। आप तो काफ़ी मीरतरीन मुझे लग रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं आप? नहीं दिखा नहीं रही आपको,
मैं चाहती हूँ आप जिस दिन मुझे मिलने आए ना, आप साफ सुथरे बनते आए। नहीं नहीं, मैंने पैसे नहीं लेने। ये आप फ्रेंडशिप के तौर पे समझ लेना, दो समझ के रखें। नहीं, मैं पैसे नहीं आपसे ले सकता। जब हमने मिलना है, हमने एक दोस्त के हैसियत से मिलना है, तो आप प्यारे से बन के आइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। देखें, कल को आप मीर तरीन हैं, आप कुछ गलत करवा दें मेरे साथ, मैं आपको अगर छोड़ दूं या कोई मसला बन जाए तो आप तो मुझे मरवा देंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वैसे भी आपने मुझे क्यों छोड़ना है या मैंने आपके साथ ऐसा क्यों करवाना है, आप मेरे साथ सिंसियर रहेंगे तो हम आगे भी सोच लेंगे। क्या मतलब आगे? मतलब आप सिंसियर रहेंगे तो इंसान सोच लेता ना, लाइफ पार्टनर की भी तो इंसान को ज़रूरत होती है। अब मुझे इस इंसान के साथ वैसे शादी करेंगे, ये कैसे हो सकता है? आप जैसे इंसान बेहतर हो जाएगा ना, अच्छे कपड़े पहनेंगे आप, इतने प्यारे लगेंगे आप देखने में इतने। तो आप कल को इन पैसों को मुझे ताना तो नहीं देंगे? नहीं, मैंने ताना क्यों देना है, आपने काम करना है, आप स्टेबल हो जाओगे, मेरे बराबर हो जाओगे, मैंने आपको ताना क्यों देना, आपके पैसे ये जिस दिन आपने मुझे मिलने आना है, आपने प्यारी सी ड्रेसिंग करके आना है ताकि आप प्यारे लगे। मैं नहीं चाहती आप इस हुलिये में आए मेरे पास। ये ज्यादा है पैसे वैसे? नहीं, ज्यादा नहीं है। आप कपड़े वगैरह इसके खरीदना ना अपने लिए, सिर्फ आपके कपड़ों के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद हम जब आप मुझे मिलेंगे ना, तो फिर आपकी बहन की सामान की जैसे कर लेंगे, जो आपको चाहिए होगा हम ज्यादा देंगे। वैसे आपकी एज क्या है? मेरी एज 22। तो आपने कब तक शादी करनी? सोचूंगी, अभी शादी का वैसे सोचा नहीं है। जब आप मेरे साथ सिंसियर रहेंगे उसके बाद शादी का भी सोच लेंगे। कभी छोड़ेंगे तो नहीं फिर आप? जब आप मेरे साथ ठीक रहेंगे तो मैंने आपको क्यों छोड़ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इतनी अमीर तरीन लड़की हो और उसकी लाइफ में कोई ना हो? काम में उलझा रहे बंदा तो कौन लाइफ में आता है? और मेरे बारे में थोड़ा आप जाने। हाँ जी, आप मुझे अच्छे लगे ना इस वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, चले सही है। आप रहते कहाँ? मैं इधर फुलबर्ग में रहती। मैं आपको फ़ोन करूँ, ये नंबर गलत तो नहीं आपने दिया? नहीं नहीं, ये मेरा नंबर है, आप कॉल कर लीजिएगा। आपको बेल कर दूँगा घर जाके ना। हाँ, मामा के नंबर से बेल करूँगा। तो आपने जिस दिन भी मिलना हो ना, क्योंकि मेरे पास तो फ़ोन नहीं है ना, मामा के पास है, तो मैं उनके नंबर से बेल करूँगा, फिर आपने मुझे बता देना जहाँ भी मिलना होगा मुझे, फिर फ़ोन भी आप ले देंगे ना। हाँ, मैं आपको फ़ोन भी ले दूँगी, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आपको ले दूँगी। पक्का? हाँ जी, प्रॉमिस। हाँ जी, प्रॉमिस करें। चल, मुझे ये बिलीव नहीं वैसे आ रहा। इंसान को कोई अच्छा लगे तो वो एक नज़र में भी अच्छा लग जाता है। अच्छा अच्छा, मैंने आपको कहा आप मुझे अच्छे लगे तो बंदा दोस्ती कर लेगा, अगर आप मेरे पास साथ काम करते रहेंगे तो, हम सिंसियर रहेंगे तो फिर आगे। चलिए ठीक है, फिर मैं आपको ना फिर फ़ोन करूँगा, ठीक है? मैं जाऊँ। जिस दिन आपने आना है ना, उस दिन आपने प्यारे से बन के आना है कि पता चले कोई प्यारा सा पर्सन आया। जी ठीक है, आप मुझे खुद ही फिर बता देना मैं कैसे कपड़े लेके आऊँ। मुझे आप मुझे कॉल ज़रूर करना। हाँ, मैं कॉल करूँगा, फिर मैं नंबर सेव कर लूँगी ना, फिर मैं बता दूँगी जिस दिन। ठीक है ठीक है, मेरे पास फ़ोन अपना नहीं है, ठीक है ना मामा का? वो मैं आपको बाद में फ़ोन भी ले दूँगी। चलो ठीक है, मैं जाऊँ अभी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।